आज वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे। दोस्त दोस्ती भी बहुत अलग रिश्ता होती है। दोस्ती के बारे में क्या कहूँ, बस इतना कहूँगा कि दोस्ती खुद से बन नहीं जाता या खैरात पे नहीं मिलती। दोस्त हम खुद चुनते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, उसमें से डिसाइड करते हैं कि कौन हमारे दोस्त होंगे, और इसी से सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। वो कहते हैं ना कि आप अपने 5 एवरेज दोस्तों के बराबर होंगे। आप 5 दोस्त जिनके साथ सबसे ज़्यादा रहते हैं उन्हीं के एवरेज होंगे। अब ये किसी भी चीज़ में जो भी हो सकते हैं आप होंगे, इसलिए दोस्त चुनने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो भी ध्यान से, क्योंकि एट द एंड आप वही होते हो जो आपके दोस्त होते हैं। एवरेज में अच्छे बुरे इसके कोई डिसाइड नहीं करता, बट ये होते हैं। और दोस्तों की जर्नी भी बहुत अलग होती है, सबके साथ एक जैसा नहीं होता, बट होती तो है। ये कि बचपन में बचपन वाला दोस्ती होता है, टिफिन लंच बॉक्स 1 रुपये 2 रुपये, छोटी छोटी बातों पर कट्टी हो जाना। फिर कुछ हम लोग बड़े होते हैं, फिर थोड़ा सेंस आता है, थोड़ा सीरियस लड़ाई झगड़ा होता है, हाँ फिर दोस्ती हो जाती है। फिर हम लोग फिर बड़े होते हैं, फिर हाई स्कूल में थोड़ा बहुत सीरियस वाला होते जाता है। एक लड़ा हो गया तो दोस्ती होना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, वो बात नहीं है, मुश्किल होता है। फिर कॉलेज पहुंच जाते हैं, वहाँ भी दोस्ती होती है। फिर कुछ बहुत रियल लाइफ में आने लगते हैं। तो लाइफ में जो है, हमारे लाइफ में मेल फ्रेंड्स भी होने चाहिए, फीमेल फ्रेंड्स भी होने चाहिए। दोनों के अलग अलग रोल्स हैं, दोनों के अलग अलग इम्पोर्टेंस हैं। हाँ, मैंने देखा अभी तक कि जितना सपोर्ट बॉयज दे सकते हैं वो गर्ल्स नहीं दे सकती हैं, बट इससे शिकायत किसी को होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी अलग बाउंड्रीज होती हैं। लेकिन एडवांटेज ये है कि जिस चीज़ का सपोर्ट एक फीमेल फ्रेंड कर सकती है, मेल फ्रेंड कभी नहीं कर सकता। तो लाइफ में सब बराबर है, चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्त एट द एंड लगता है कि हमारी एक नई फैमिली है। एक हमारी ओरिजिनल फैमिली के अलावा भी बाहर में एक फैमिली है जो हमें बाहर हैंग आउट करने में मदद करती है, ज़िंदगी जीने में ज़्यादा मदद करती है। मेरे ज़्यादा दोस्त तो नहीं है, बहुत गिने चुने दोस्त, ज़्यादा दोस्त मैं बनाता नहीं, पर हैं दोस्त। कई बार किसी से रास्ते में मुलाकात हो जाती है और दोस्ती इतनी गहरी हो जाती कि उम्मीद भी नहीं करते, बहुत ज़्यादा। इसलिए दोस्ती क्या करना, भाई बना लेते हैं। दोस्ती पे बहुत सारे गाने भी आए हैं, डेडिकेट करते हैं ना उन्हें।
ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। पर अब रियलिटी में आ जाते, पर ऐसा होता नहीं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं बिछड़ना ही पड़ता है। सबके अपने ड्रीम्स है, सबके अपने अलग एम्स है, सबके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस वजह से बिछड़ना होता ही है। सारे अपने अपने रास्ते को जाना होता है और वे जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ जाती है, किसी का अलग ग्रुप, किसी का अलग ग्रुप, ऐसा बन ही जाता है। पर इस बात से किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए, मुझे भी शिकायत नहीं है, किसी से भी नहीं है। ये कह के दोस्ती पर ये तो हो गई कुछ अच्छी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी बातें, सीधे वन से लेकर के यहाँ तक, यानी स्ट्रेट लाइन। पर ऐसा होता नहीं है, कई बार बहुत सारी बुरी चीजें हम लोग सीखते हैं। बुरी इसलिए क्योंकि लोग बुरे कहते हैं ना, लोग उस चीज को बुरा कहते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, वो सिखाना, ड्रिंकिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें और भी। तो स्टार्टिंग में कोई जानता नहीं है ये सारी चीज़ें, ये भी ये सारा जो कोई भी सीखता है, ये सारा खेल जो है दोस्तों का ही होता है, उन्हीं का ही सारा रोल प्ले होता है सब में, सबके लाइफ में ऐसे ही होता है। जो भी करते हैं स्टार्टिंग में कोई कुछ नहीं करता, पर धीरे धीरे इमोशनल ब्लैकमेल करके सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, हर एक वो चीज़ कराई जाती है जिसको करने से आपको डर लगता है, आपकी फटती है। फिर जब एक बार आप कर लेते हैं तो कहते हैं यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो आसान काम था। हाँ लेकिन वो चीज़ उसके लिए आप बहुत याद करते हो कि यार ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कुछ बुरी चीज़ें, बुरी क्या मतलब अच्छी चीज़ें जो एक्सपीरियंस करते हैं, ये भी जब शायद हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तब याद करेंगे, हाँ हम लोग भी किए थे बट अब नहीं करते, वो अलग बात है। अब दूसरी बात ये है कि लाइफ में आपके बहुत अलग अलग दोस्त बनते हैं, अलग अलग तो होते ही हैं, यहाँ पे अलग अलग कहने का मतलब है कि एक पर्सनालिटी वाइज भी आपके अलग अलग दोस्त बनते हैं। दोस्त तो बहुत होते हैं आपके, बट उन दोस्तों में भी कोई खास, बहुत खास हो जाता है, किन्हीं का बिहेवियर खास होता है, किन्हीं का सपोर्ट खास होता है। हर एक से सेम तरह की दोस्ती नहीं होती, कोई आपको लड़ाई में सपोर्ट करता है, कोई आपको इमोशनल सपोर्ट करता है, कोई आपको प्यार पाने में सपोर्ट करता है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत अलग अलग। किसी से बातें करना आपको बहुत अच्छा लगता है, किसी की बातें सुनना अच्छा लगता है, किसी को सुनाने को मन करता है, वो होता है ना मतलब जैसे वो आए बिना गाली दिए आप रह नहीं सकते, कुछ वैसे दोस्त। ये सबके साथ होता है, गर्ल्स बॉयज, मेल फीमेल, औरत आदमी, सबके साथ में। तो कुछ किस्सा है कि पापा के साथ कहीं जा रहा हूँ और उनके दोस्त मिल गए, और वो ऐसे मिल रहा है जैसे कि हम लोग मिलते हैं, देख करके थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, अरे ये क्या कैसे बोल रहा है, मतलब कैसे बोलते हो वीडियो पे। हाँ
तो सुनने के अजीब लगता है कि है ना। ये चीज सुन करके अजीब लगा कि यार ये क्या हो रहा है। फिर बाद में समझा, अरे ये लोग भी तो दोस्त हैं, हम लोग जैसे हैं वो लोग भी ऐसे ही हैं, बस फर्क इतना है कि वो बड़े हो गए हैं, और दोनों के बीच में तो रिश्ता सेम ही तरह का है। ये होता है। तो पापा का बात अगर छिड़ा ही है तो एक बात कहता हूं कि अगर आप पापा से दोस्ती करने में अगर सक गए, अगर आपके पापा दोस्त बन गए, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप किसी को भी दोस्त बना सकते हो। कोई भी आपके साथ दोस्ती करने से कतराएगा नहीं, कर सकता है। अभी तक लड़कों में जो सबसे मुश्किल कामों को करने जैसा में से एक है, वो है अपने पापा से दोस्ती करना, अपने पापा को बातें बताना। हम लोग जब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं ना, हम लोग पापा को एटीएम की तरह यूज करते हैं। हम लोग बात तब करते हैं जब हम लोग को पैसे की जरूरत होती है, तब उससे पहले कोई भी बात नहीं करते। पर मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और खैर, मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत सारी बातें करता हूँ, बट मेरे साथ भी कुछ वैसा कुछ खास नहीं है कि हाँ मैं सारी के सारी बातें बता रहा हूँ। थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, ये थोड़ी सी बता रहा हूँ कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है तो घुमाने के लिए पैसे चाहिए। तो अगर ये मैं कह पाता तो बेझिझक शायद मैं भी पैसे ना दे, या हो सकता है कि दिल खोल के पैसे दे कि हाँ जाओ थोड़ा सा खर्च वर्च कर लो। हाँ, पर ऐसा होता नहीं है। सिर्फ तब याद आता जब कहते कि हाँ पैसे चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि सेंटिमेंट्स नहीं होते यार, होते हैं, बस सेंटिमेंट्स सिर्फ माँ के लिए दिखाते हैं, पापा के लिए नहीं। माँ भी दोस्त होती है। एक फेज था जब मेरे कोई दोस्त नहीं थे, तो डिप्रेशन में था मैं, अकेला अकेला रहता था। अब अकेला रहना मुझे अच्छा लगता है अब, पर उस समय अच्छा नहीं लगता था, बट रहना पड़ता था मुझे। तब माँ से दोस्ती हो गई, पहले माँ से दोस्ती हो गई, फिर बहन से दोस्ती हो गई। अभी तक पापा को दोस्त नहीं बना पाया हूँ, इस चीज़ का मलाल है मुझे, और ये शायद रहेगा हमेशा। तो बस है, तो ये भी एक तरह का रिश्तों में दोस्ती है। अगर आपके साथ कोई भी रिश्ता है ना, किसी के साथ भी है, अगर उस रिश्ते में दोस्ती अगर आ जाती है ना, तो ये सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है और सबसे इम्पोर्टेंट बात। एट द एंड हम लोग को एक अलग फैमिली बनानी है, सारे हर एक इंडिविजुअल। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आपकी लाइफ पार्टनर होगी, अगर वो आपकी दोस्त बन गई ना, तो ये सबसे मोस्ट अमेजिंग चीज़ों में से एक है। तो गर्लफ्रेंड बनाने से पहले दोस्त हो। नहीं, फ्रेंड जोन की बात नहीं कर रहा, फ्रेंड जोन नहीं, फ्रेंड जोन बिल्कुल भी नहीं, उस तरफ जाना भी नहीं, वो बहुत बुरी चीज़ है। पहले गर्लफ्रेंड बना लो, फिर उसे दोस्ती कर लेना। जो भी है, रिश्तों में दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कोई वाइफ है तो वाइफ सिर्फ वाइफ बना के ही ना रखें, उसे दोस्त भी बनाएं। और अगर फ्यूचर में आपका कोई
बच्चे होते हैं जो कि होंगे, तो कोशिश ये कीजिएगा कि आपने जो गलती की वो गलती ना करे। अगर वो दोस्त ना बना रहा है तो आप अपने बच्चों को दोस्त बनाइए। मैं ये अपने पेरेंट्स से भी कहूँगा, अगर वो कभी देखेंगे ये वीडियो तो कहूँगा कि दोस्ती हम लोग से भी कीजिए। अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप आइए सामने से, क्योंकि हमें नहीं आती, हमें थोड़ा संकोच होता है, पर आप तो आ सकते हैं, आप आइए हमें दोस्ती करने के लिए। तो पूरी दुनिया भर में हम लोग दोस्ती का दिवस मना रहे हैं, पर ये कीजिए ना कि आपके दोस्त ही आपकी दुनिया हो जाए। ये बात अब ऐसे है कि ये बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत सारे बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कहनी है, पर वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो जाती है। तो इसे मैं आज अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8:37 पर, देखते हैं ये कब तक एडिट कर पाता हूँ मैं, और कोशिश करूँगा इसे आज ही आज अपलोड कर दूँ। अगर आपको मेरी ये बातें जरा सा भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और हाँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए एपिसोड में कुछ और बात के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।